वेलकम टू बैक माई YouTube चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कई दिनों से आपका आउटलाइन विथ डिक्टेशन की जो क्लास थी वो नहीं लिया जा रहा था, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों के लिए जो RSMSSB के जो स्टूडेंट्स हों, जो छात्र हों, जो एग्ज़ामिनेशन देने वाले हों, क्योंकि 1.5 से 2 महीने ही बचे हुए हैं स्किल टेस्ट होने के लिए, तो मैं आप सभी लोगों के लिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा उच्च दक्षता आंसू लेखन बुक्स, और इसमें ये मान के चलिए कि आज के टाइम में जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो जिस तरीके से मैटर्स को ला रहे हैं कि आपको अभी मालूम ही नहीं होगा कि एक्चुअली मैटर्स किस तरीके से आते हैं, तो इस बुक्स में पूरा निचोड़ दिया गया है कि आप ये मान के चलिए, यदि आप ये बुक लेते हो और जब मैं आप सभी लोगों को ये डिक्टेशन दूंगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप एक तरह से मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे हैं। यदि आप इस बुक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर डालेंगे, निश्चित है कि आपको फिर दिक्कतें नहीं आएंगी एग्ज़ामिनेशन में। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बुक्स को लेंगे। बुक्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वो थ्रू वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप सभी लोगों के लिए डाउट ग्रुप बनाया गया है। 2 ग्रुप्स हैं, एक व्हाट्सएप डाउट ग्रुप, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट किया करें, और अपने, देखिए जो भी आउटलाइंस आपको ना आया करें, ग्रुप के थ्रू आप भेज दिया करें, मैं उसको आने वाली क्लासों में उसको डिस्कस करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला दिया गया है यहाँ पे विधेयक। देखिए आउटलाइन में बताएंगे आपको विधेयक किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। देखिए वाई के आंकड़े को हम यूज करेंगे, ठीक ना, फिर इसमें धा के व्यंजन को बनाएंगे हम, फिर या व्यंजन को यदि हम आधा बना देंगे, इसमें काय के व्यंजन जुड़ जाएगा, ठीक, ये हो गया विधेयक। और यदि आपको स्पष्ट करना हो कि विधेयक लिखा ही हुआ है, तो वाई के आंकड़े को बनाते हुए धाय के व्यंजन को बनाएंगे, फिर या के व्यंजन को बनाते हुए इसमें का के व्यंजन को हम जोड़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा विधेयक। उसके बाद है मानसून। अब देखिए मानसून, देखिए किस तरीके से बनाएंगे इसको, तो देखिए माँ के व्यंजन को बनाना है, राइट, फिर ना के व्यंजन को बनाते हुए सा के वृत्त को बनाइए आप ना के व्यंजन के साथ, ये हो जाएगा मानसून। अब देखिए उसके बाद है अधिकार। अधिकार के लिए देखिए धा के व्यंजन को बनाना है आपको, फिर क्या करना है, ये हो गया आधि, फिर का व्यंजन को बनाना है आपको रा के आंकड़े के साथ, ये हो जाएगा अधिकार। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 अवरोध। तो हमने, जैसा कि आपको हर क्लास में बताता हूँ, ऐ की स्वर के लिए छोटा सा यदि डैश आप लगा देंगे तो ऐ की स्वर पढ़ी जाएगी, फिर वाई के व्यंजन को बनाते हुए इसी में रा के व्यंजन को जोड़ दीजिए, फिर इसमें आप क्या करिए धा के व्यंजन को बना दीजिए, इसमें आप ओ की स्वर लगा दीजिए और अवरोध हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा। देखिए पा के व्यंजन को रा आंकड़े के साथ, राइट, प्रतिस, ध्यान दीजिए प्रतिस्पर्धा बोल रहा है, ठीक, तो क्या करेंगे हम ता व्यंजन को बनाएंगे किसके साथ, हम सा के, सॉरी ता व्यंजन को बनाएंगे हम सा की वृत्त के साथ, राइट, फिर करना क्या है आपको, सिंपल इसमें पा व्यंजन को जोड़ना है, राइट, ये हो गया प्रतिस्पर। अब करना क्या है, राग व्यंजन को बना दीजिए, फिर इसमें धा व्यंजन को बना दीजिए और इसमें धा में बड़ा ऐ की स्वर को लगा दीजिए, ये हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। उसके बाद है आखिरकार, फिर से आ गया बड़ा ऐ की स्वर, उसके लिए छोटा सा डैश एक हम छोटा सा लगाएंगे, ये हो जाएगा आए, खा व्यंजन को बनाना है आपको रांगड़े के साथ, फिर का व्यंजन को रांगड़े के साथ बनाना है, आप इसको काटेंगे ये खा का व्यंजन पढ़ा जाएगा, हो जाएगा आखिरकार। उसके बाद देखिए, मैं आप सभी लोगों को पूरी कोशिश करता हूँ कि एक एक शब्दों को तोड़कर बताऊँ, जिससे आप के जो आपने रूल्स में पढ़ा है वो सारे रूल्स भी आपके साथ ही साथ कवर्स होते चलें, तो मेरी ऐसी ही उम्मीद रहती है। उसके बाद है प्रस्तावित। तो पा व्यंजन को बनाना है रांगड़े के साथ सा के, देखिए अब करना क्या है, प्रस्तावित हो गया ना, फिर सा के वृत्त को बनाते हुए ता के व्यंजन को, फिर वा के व्यंजन को बनाना है ता के आंकड़े के साथ, ये हो जाएगा प्रस्तावित। उसके बाद है कामकाज। कामकाज के लिए देखिए का के व्यंजन को बनाना है माँ के व्यंजन को बनाते हुए इसमें, फिर का व्यंजन को जोड़ना है सा के वृत्त के साथ। आप कहेंगे ये सा का वृत्त क्यों लगाया गया है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि कभी कभी आपने नियम पढ़ा होगा कि कभी कभी सा के वृत्त को हम जा भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हम आज यूज कर ले रहे हैं कामकाज।
उसके बाद है लिहाज। अब देखिए लिहाज किस तरीके से बनाएंगे हम, ल के व्यंजन को बनाएंगे हम, फिर इसमें ह के व्यंजन को जोड़ेंगे, अंत में सा के वृत्त को फिर से जोड़ेंगे, फिर आप कहेंगे इसमें आप सा के वृत्त को जोड़ा है। अभी हमने हाल ही बताया अभी आपको कि कभी कभी सा के वृत्त को हम जा भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये हो गया लिहाज। अब चलिए उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 11। ठीक, अभूतपूर्व, ये देखिए अभूतपूर्व के लिए क्या करना है, छोटा सा आय की स्वर विभाव व्यंजन को बनाना है, ताके व्यंजन के साथ ये हो जाएगा अभूत, पा व्यंजन को रांकड़े के साथ, अंत में वा के आंकड़े को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा अभूतपूर्व। अब देखिए इर्द गिर्द के लिए देखिए क्या करेंगे हम, इर्द गिर्द आप क्या कीजिए कि रा व्यंजन को बनाइए, ये हो गया इर्द, फिर गा व्यंजन को बनाइए रांकड़े के साथ, फिर दा व्यंजन इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इर्द गिर्द। उसके बाद है लोकसभा, लोकसभा लिखिए, ला के व्यंजन को बनाना है, काय के व्यंजन के साथ, इसी में सा के वृत्त को बनाते हुए भय के व्यंजन को हम बना देंगे, ये पढ़ा जाएगा लोकसभा। तो उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट नंबर 12 तक आप सभी लोगों को बाखूबी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं देखिए मैं आप सभी लोगों का आउटलाइंस विद डिक्टेशन की जो क्लास है इसको ले रहा हूँ, आप सभी लोग अपने अनुभवों को बताया करें कमेंट बॉक्स में कि क्या इससे आप सभी लोगों को कुछ बेनिफिट्स हुआ, और उसके अलावा फिर मैं आप सभी लोगों को डिक्टेशन की भी सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। तो सभी तरीके से आप बस बने रहिए अपने चैनल के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस आप सभी लोग पढ़ते रहिए। अब देखते हैं उसके बाद है यहाँ पे पीड़ादायी, पीड़ादायी देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे वो देखते हैं। पीड़ादायी तो करना क्या है, पा के व्यंजन को बनाना है आपको, फिर इसमें ड़ा के व्यंजन को बनाते हुए, फिर दाय के व्यंजन को बनाइए, फिर या के व्यंजन को आप बना दीजिए, अंत में बड़े ई की स्वर लगा दी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि पूरे पूरे व्यंजन को ही बनाना पड़ जाता है, जिससे स्पष्ट ही हो जाए एकदम। उसके बाद है अनिश्चित, आय के लिए छोटा सा डैश, फिर न के व्यंजन को सा के वृत्त के साथ, चाय व्यंजन को ता के आंकड़े के साथ, ये हो जाएगा अनिश्चित। उसके बाद है अस्थगित, अस्थगित के लिए देखिए सा के वृत्त को बनाना है ता के व्यंजन के साथ, फिर गा व्यंजन को बना दीजिए आप ता के आंकड़े के साथ, ये हो जाएगा अस्थगित। उसके बाद है प्रस्ताव, तो पा व्यंजन को बनाना है रांकड़े के साथ, उसी में सा के वृत्त को जोड़ते हुए ता व्यंजन को वा अंकड़े के साथ बना देंगे, ये हो जाएगा प्रस्ताव। उसके बाद है आचरण, देखिए आचरण के लिए देखिए छोटा सा डैश बड़ा आय के लिए, फिर उसी में चा के व्यंजन को, फिर रा व्यंजन को बनाना है आपको ना के आंकड़े के साथ, ये हो जाएगा आचरण। उसके बाद है निंदनीय, ठीक ना, निंदनीय देखिए ना व्यंजन को बनाना है ना के व्यंजन के साथ, ठीक ना, ये हो गया निंद, फिर इसमें दा के व्यंजन को करना है, फिर इसमें करना क्या है हमको, ना के आंकड़े के साथ बनाते हुए अंत में वा के सॉरी या के आंकड़े को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा निंदनीय। अब देखिए देखते हैं पॉइंट नंबर 19, देखिए पॉइंट नंबर 19 है कर्मचारियों, देखिए कर्मचारियों, तो का के व्यंजन को बनाना है माँ के व्यंजन के साथ, फिर चा व्यंजन को बनाना है रांकड़े के साथ, इसमें आपको अंत में या के आंकड़े को जोड़ना है, यों ओ का शोर आ रही है इसमें आप लगा देंगे अंत में, ये हो जाएगा कर्मचारियों। दुर्व्यवहार, तो दाय व्यंजन को रांकड़े के साथ, फिर वा के व्यंजन को बनाते हुए, इसमें हा के व्यंजन को बनाते हुए हम रा के व्यंजन को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा दुर्व्यवहार। उसके बाद है कार्यवाही, तो देखिए का व्यंजन को रांकड़े के साथ, फिर वा के व्यंजन को बनाना है, अंत में आई इसमें देखिए बड़े ई के स्वर लगा देंगे, आप पढ़ लेंगे इसको कार्यवाही। यदि आ गया आपके पास कार्यवाही के लिए, तो आप कार्यवाही भी एजटिस बना सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको कार्यवाही, तो का व्यंजन को रांकड़े के साथ, फिर वा के व्यंजन को बनाना है आपको हा के वृत्त के साथ, यदि थोड़ा सा इसको और आप काट देंगे तो इसमें बड़े ई के स्वर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा कार्यवाही। अब देखते हैं उसके बाद है गरिमा, तो गा व्यंजन को रांकड़े के साथ बनाना है, फिर माँ व्यंजन को आपको बनाना है, ये हो जाएगा गरिमा। खिलाफ के लिए देखिए खा व्यंजन को बनाना है आपको ला आंकड़े के साथ, फिर अंत में फा के व्यंजन को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा खिलाफ। उसके बाद है गहराई, तो गा व्यंजन को बनाना है हा के वृत्त के साथ, फिर रा के व्यंजन को बनाना है आपको अंत में बड़ी ई की सुर लगा दीजिए, ये हो जाएगा गहराई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का जो आउटलाइन का सीरीज था अच्छे तरीके से बाखूबी तरीके से समझ में आया होगा। तो आशा है कि आप सभी लोग प्रतिदिन क्लास अटेंड करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। तो ज़रा आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोग लाइक नहीं करते, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करते हैं तो एज इट इज़ मुझे अच्छा भी लगता है। तो एक्चुअली आप सभी लोग लाइक कर दिया करें,
तो मुझे अनुभव मिलता है इससे, आप सभी लोगों का काफ़ी समर्थन और सपोर्ट मुझे प्राप्त होता है। तो मेरा फिर उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही बेहतर ही करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको जानकारी दिया था कि जैसे आप सभी लोगों को हमने बता दिया था उच्च दक्षता आंसू लेखन बुक्स के बारे में, तो यदि आप सभी लोग बुक्स लेते हैं यकीन मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी ही होगी। समझ रहे हैं आप सभी लोग, जब बुक्स को रखेंगे, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के मैटर्स को रखेंगे, तो आप सभी लोगों को पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है और हमको किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आपको राह दिखाता है बुक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि एज इट इज़ आप सभी लोग बुक्स को लेने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा मेरे कहने पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक और नंबर भी दिया गया है, देखिए लिंक दिया गया है ग्रुप्स का, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ग्रुप्स को बनाया हूँ। तो चलिए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी स्टार्ट। विधेयक मानसून अधिकार अवरोध प्रतिस्पर्धा आखिरकार प्रस्तावित कामकाज लिहाज अभूतपूर्व इर्द गिर्द लोकसभा पीड़ादायी अनिश्चित अस्थगित प्रस्ताव आचरण निंदनीय कर्मचारियों दुर्व्यवहार कार्यवाही कार्यवाही गरिमा खिलाफ गहराई स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका आउटलाइन विद डिक्टेशन। यदि आपको हमारी द्वारा ली गई क्लास से आप सभी लोग संतुष्ट हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताया करें जरूर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।